एबीसी पंजाब दे खबरां दे बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। पहला अज दीआं मुख खबरां। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि लुधियाना शहर नूं साफ सुथरा हरिया भरिया ते प्रदूषण मुक्त बनाउण च किसे किस्म दी कसर नहीं छड्डी जाएगी। सूबे दे मुख सकत्तर अनुराग वर्मा ने कहा कि हड़ां कारण लोकां दे होए नुकसान की सरकार पूरती जल्द करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घरां दे निर्माण लई 25,000 लाभपात्रियां नूं माली इमदाद वजों 101 करोड़ रुपए के चैक सौंपे। सूबे के खेड मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेर ने 23 कोचों को दिए नियुक्ति पत्र। आम आदमी पार्टी ने होस्टल फीसा से GST लगाने के केंद्र सरकार के फैसले का किया विरोध। लोक सभा च लगातार अगामे तो स्पीकर ओम बिरला हुए नाराज। हुण खबरां विस्तार नाल। लुधियाना शहर नूं साफ सुथरा हरिया भरिया ते प्रदूषण मुक्त बनाउण लई पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अज शहर विच सीवर लाइनां दी सफाई बेहतर ढंग नाल कर लई। सुपर जंक्शन कम जेटिंग मशीन अते 50 ट्रैक्टरां नूं झंडी विखा के रवाना किया। इस मौके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि लुधियाना शहर लई इह अति आधुनिक सुपर जंक्शन कम जेटिंग मशीन 1,45,00,000 रुपए की लागत नाल खरीदी गई है। उन्हें कहा कि मशीन शहर में लगभग 200 किलोमीटर सीवरेज लाइनों की सफाई का काम करने बहुत मददगार साबित होगी। तो भगवंत मान ने यह भी कहा कि मशीन सीवरेज की समस्या दूर करने भी सहाय होगी, जिस नाल शहर वासियों को वड्डी राहत मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री कहा कि नगर निगम लुधियाना ने 2,22,00,000 रुपए की लागत नाल 50 ट्रैक्टर खरीदे ने। उन्हें कहा कि ट्रैक्टर नगर निगम दीआं वख-वख शाखावां लई खरीदे गए ने, जिन्हां विच B&R शाखा, O&M शाखा, सेल शाखा, बागबानी शाखा आदि शामिल। सूबे दे मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैक्टर मलबा चुकन, टैंकरां ही पानी की सप्लाई करन, कूड़ा करकट चुकन ते होर कार्जां लई वरते जाणगे। उन्हें भी कहा कि सूबा सरकार शहर के व्यापक विकास लई पूर्ण तौर पर वचनबद्ध है अते इस विच कोई कसर बाकी नहीं छड्डी जाएगी। उन्हें कहा कि सूबे के लोगों लई भलाई लई सूबा सरकार कोल फंडां दी कोई कमी नहीं है। तो भगवंत मान ने कहा कि शहरां दे सर्वपक्षी विकास लई खुले दिल नाल फंड देने तो अलावा इन्हां दे विकास कार्जां लई बुनियादी ढांचे की मजबूती उत्ते भी जोर दिता जा रहा है। इस मौके उन्हां दे नाल स्थानक सरकारां विभाग के मंत्री बलकार सिंह अते होर भी हाजिर सन। पंजाब दे समाजिक न्याय अधिकारिता ते घट गिनतियां विभाग के मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने सूबे के समूह डिप्टी कमिश्नरां नूं सरकार दीआं सिविल असामियां अते असवाहां अते केंद्रीय विद्यक संस्थावां दे दाखले रिजर्वेशन दा लाभ लैण लई आर्थिक तौर ते कमजोर वर्गां नूं आमदन अते संपत्ति दा सर्टिफिकेट जारी कर दीआं हदायतां जारी कीतीआं ने। डॉक्टर बलजीत कौर ने दस्सिआ उन्हां दे ध्यान विच आया कि कई व्यक्तियां वल्लों सूबा सरकार वल्लों निर्धारित शर्तां दी उलंघन करके आमदन अते संपत्ति सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। उन्हें कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार वल्लों अजोग भाव गैर पात्र व्यक्तियों वालों आमदन अते संपत्ति सर्टिफिकेट जारी करवाने नूं गंभीरता नाल लिया जाए। उन्हें दस्सिया कि सूबा सरकार ने फैसला किया कि सर्टिफिकेट जारी करने वाली अथॉरिटी वालों आमदन अते संपत्ति सर्टिफिकेट नूं हदायतां मिति 14 मई 2019 अते 15 जुलाई 2019 दे उपबंधां अनुसार मुकम्मल पूर्व पड़ताल उपरंत ही जारी किए जाण। उन्हें कहा कि जेकर भविख में कोई अजिहा केस उन्हां दे ध्यान में आता तो आमदन अते संपत्ति सर्टिफिकेट जारी करन लई तत्थां नूं वेरीफाई करने वाले कर्मचारी व्यक्ति विरुद्ध विभागी फौजदारी एक्शन लिया जाएगा। इस तों अलावा जिस व्यक्ति वालों आमदन अते संपत्ति सर्टिफिकेट गलत तत्थां दे आधार ते बनाए ने उन्हां विरुद्ध भी फौजदारी कार्रवाई आरंभी जाएगी। कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने दसा कि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग लई सिविल पोस्टां ते सेवां विच लागू 10% राखवां करन दा लाभ लैण लई समाजिक न्याय अधिकारिता ते घट्टो घट गिनती विभाग दे नंबर जिहड़े ने 116-2019, 15 मई 2019, 15 जुलाई 2019 राहीं आमदन अते संपत्ति दा सर्टिफिकेट जारी करन संबंधी विस्तार पूर्वक हदायतां जारी कीतियां होईआं ने। कैबिनेट मंत्री ने सूबे दे समूह डिप्टी कमिश्नरां नूं आमदन अते संपत्ति सर्टिफिकेट संबंधी हदायतां आम लोगों के ध्यान में लियाउण दे निर्देश दिए ने। उन्होंने दोहराया कि सूबा सरकार आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों की भलाई लई वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई हेठली सूबा सरकार हड़ां की मुश्किल घड़ी में अपने लोगों नाल खड़ी है और सूबा वासियों के नुकसान की पूरी पूर्ति करने लई वचनबद्ध है। ये गल पंजाब के मुख्य सकत्तर अनुराग वर्मा ने अज उच्च अधिकारियों नूं लैके की गई मीटिंग, जिस विच समूह डिप्टी कमिश्नर नाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंस गल दौरान की। मुख सकत्तर ने सारे डिप्टी कमिश्नर नूं हदायत दित्ती कि मुख्यमंत्री वल्लों 15 अगस्त तक विशेष
गुरदौरी के दिते देशों की पालना करता है। ये काम सिरे मुकम्मल किया जाए। उन्हें कहा कि फील्ड विच गिरदारी का काम पूरी निरपक्षता ते पारदर्शिता होना चाहिए और कोई भी असल पीड़ित वांझा नहीं रहना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ये भी यकीनी बनाउण कि मुख्यमंत्री दीआं हिदायतां अनुसार गुरदौरी का काम असल नुकसान वाली थां उत्ते जाके मौके ते किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ते SDM खुद फील्ड का दौरा कर इस तों इलावा लोगों के जानी ते माली नुकसान का मुआवजा तुरंत दिता जाए। उन्हां जिलावार डिप्टी कमिश्नर ते मुआवजे ते गुरदौरी के काम की रिपोर्ट लैंदिआं पेंडिंग मुआवजे के केसां नूं तुरंत निपटाउण लई कहा। हुण राघव वर्मा ने कहा कि हड़ां कारण नुकसानग्रस्त हुई झोने की फसल वाले किसानों नूं सूबा सरकार वल्लों मुफ्त पनीरी दित्ती जा रही है। उन्हें डिप्टी कमिश्नर नूं आख्या जिते कि पनीरी की उपलब्धता विच दिक्कत आउंदी है तां तुरंत खेतीबाड़ी विभाग नाल राबता कीता जावे। इस संबंधी खेतीबाड़ी सकत्तर अर्शदीप सिंह थिंद नोडल अफसर हन। उन्हें सारे जिलों नूं गुरदौवरी मुआवजे ते नुकसान दीआं प्रगति रिपोर्टां रोजाना हैडक्वार्टर उत्ते भेजण नूं कहा। मीटिंग विच विशेष मुख सकत्तर माल KAP सिन्हा, प्रमुख सकत्तर जल सप्लाई ते सैनिटेशन DK तवाड़ी, प्रमुख सकत्तर सेहत ते परिवार भलाई विभाग VP सिंह, प्रमुख सकत्तर जल स्रोत कृष्ण कुमार, सकत्तर लोक निर्माण नीलकंठ अवहाड, सकत्तर सूचना ते लोक संपर्क मालविंदर सिंह जग्गी, सकत्तर खेतीबाड़ी अर्शदीप सिंह थिंद, डायरैक्टर जनरल स्कूल सिक्ख्या विले बबलानी और बिजली बोर्ड के MD बलदेव सिंह सरामी हाजिर सन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अज प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम अधीन घर के निर्माण लिए 25,000 योग लाभपात्रियों माली इमदाद वजो 101 करोड़ रुपए के चैक सौंपे। इस स्कीम तहत हरेक लाभपात्री 1,75,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। इन्हों लाभपात्रियों चैक सौंपने करवाए गए राज पद्धरी समागम दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबा सरकार समाज के सारे तबकों खास करके आर्थिक तौर पर कमजोर और पिछड़े वर्गों की भलाई लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का फर्ज बनता है कि सूबे के सारे नागरिकों को रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत मुहैया करवाई जाए। भगवंत मान ने कहा कि एक कल्याणकारी सूबे में लोग पक्षी उपरालों लोगों पासों टैक्स वसूले जाते हैं जो टैक्स देने वाले भलाई स्कीम के रूप में अदा कर दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री कहा कि भावें उन्होंने पहला के मुख्यमंत्री मंत्री खजाना खाली होने का ढंडोरा पिटते रहे हैं पर उन्होंने सरकार सूबे के खजाने का एक एक पैसा लोगों की भलाई उत्ते खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि फंडा की घाट तो पहला भी नहीं होंगी सी पर समय दरकार को दूर अंदेश की घाट से पर उन्हों की सरकार सारे फंड लोगों की भलाई लिए वरतेगी। भगवंत मान ने कहा कि पिछलियां सरकार समय ये फंड भ्रिष्ट नेतावान जेबों में जाते सन पर उन्हां दी सरकार ने चोर मूरियां नूं सख्ती नाल बंद कर दिता जिस करके हुण ये फंड लोगों की भलाई लिए वरते जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ना ही भ्रिष्टाचार नेतावां का लोगों का सूबे का सियासी लीडरशिप भरोसा गवा चुका है। इस दे नाल ही उन्हें कहा कि साल 2022 दीआं विधानसभा चोणां दौरान सूबे के लोगों ने उन्हें बहुत विश्वास प्रगट किया जिसलिए वह हमेशा लोगों के ऋणी रहेंगे। उन्हें यह भी कहा कि सरकार वालों समाज के हरेक तबके की भलाई यकीनी बनाने और सूबे के विकास उत्ते जोर दे के लोगों के विश्वास को कायम रखने कोई भी कसर बाकी नहीं छड़ी जाएगी। सूबे में सड़क हादसों कारण होंदिया मौतों से चिंता का प्रगटावा करदिया मुख्यमंत्री ने कहा कि कीमती मनुखी जाना बचाने लिए उन्हां दी सरकार ने नवेकली पहल करदिया पहली बार सड़क सुरक्षा फोर्स के गठन का फैसला किया है तां सूबे दीआं सड़कां उत्ते ट्रैफिक व्यवस्था नूं सुचारू बनाया जा सके। उन्हें कहा कि पंजाब विच हर रोज़ 14 मनुखी जाना सड़की हादसों की भेट चढ़ जांदियां ने। उन्हें कहा कि सड़कों की गश्त राहीं अजिहे हादसों नूं रोकण लई ठल पाई जा सकती है जिस करके सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया गया। भगवंत मान ने कहा कि इस फोर्स नूं गलत ढंग नाल गड्डी चलाउण सड़कों उत्ते वाहनों की आवाजाई नूं सुचारू बनाउण ते सड़क हादसों नूं रोकण का जिम्मा इस फोर्स नूं सौंपिया गया है। मुख्यमंत्री अगे कहा कि पंजाबियों में हरेक चुनौती का डट के मुकाबला करने का जज्बा जिस करके पंजाबी हरेक मैदान फतेह करते हैं। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब गुरुआं पीरां संतां महात्मा देवी देवतां ते मान शहीदां की धरती है और बहादुर पंजाबी गुरु साहबान दीआं सिक्ख्यावां ते देश भगत दीआं कुरबानियां तो प्रेरणा मिलती है। उन्हें कहा कि पंजाबियों ने जबर बेइंसाफी ते दमन की हमेशा जोरदार मुखालत की है। उन्हें कहा कि देश के आज़ादी संघर्ष सरहदां की राखी अनाज उत्पादन में मुल्क नूं स्वै निर्भर बनाउण अते एकता ते खंडता ते फिरकू सद्भावना नूं कायम रखने लई पंजाबियों ने लामसाल योगदान पाया है। पंजाब के खेड मंत्री गुरमीत सिंह ने नवे भर्ती 23 कोचां नूं नियुक्ति पत्र सौंपे। अज इत्थे पंजाब सिविल सकत्तरेत विखे अपने दफ्तर खुले खेलो इंडिया सेंटर लई भर्ती किए कोचां नूं नियुक्ति पत्र सौंपदिआं
कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली सूबा सरकार वालों पंजाब नूं खेडां विच देश दा नंबर वन एक सूबा बनाउण लई नवीं खेड नीति बनाई है। इस खेड नीति नूं लागू करन लई जिम्मेवारी विभाग दे कोचां सिर है, जिन्हां ने नवीं पनीरी तैयार करके खिडारियों नूं कौमी ते कौमांतरी पद्धर दे मुकाबलियां लई तैयार करना है। उन्हां कोचां नूं वधाई दिंदिआं कहा कि वह अपने लाड सेंटरां विच तनदेही ते मेहनत नाल काम करन ते चंगे नतीजे सामने लिआउण। नियुक्ति पत्र हासिल करन वाले कोचां विच अथलैटिक्स खेड दे 7, कुश्ती दे 5, फुटबॉल के 4, हाकी के 2, बैडमिंटन मुक्केबाजी, साइकिलिंग ते तलवारबाजी के 1-1 कोच शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय यूनीवर्सिटियां की होस्टल फीस ते 12% GST लगाने के केंद्र सरकार के फैसले का सख्त विरोध किया है। पार्टी ने इस फैसले को तानाशाही करार दिता है ते मोदी सरकार ते गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई च जानबूझ के रुकावट पाउण दा दोष लाया। आम आदमी पार्टी पंजाब के यूथ विंग के प्रधान धर्मकोट तो विधायक दविंदरजीत सिंह लाडी ढोंस ते पंजाब यूथ डिवेलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन परमिंदर गोल्डी ने बुधवार को चंडीगढ़ स्थित पार्टी हैडक्वार्टर विखे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस फैसले की निखेधी की। विधायक दविंदरजीत सिंह लाडी ने इस फैसले को केंद्र सरकार का तुगलकी फरमान करार दिंदिया कहा कि मोदी सरकार गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाई तो दूर रखने लिए जानबूझ के उन्होंने आर्थिक बोझ पा रही है। उन्होंने कहा कि सिक्ख्या हमेशा टैक्स मुक्त रखा गया पर मोदी सरकार विद्यार्थियों तो पैसे वसूलने नवे नवे तरीके लभ रही है जो कि बहुत ही मंदभाग है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी शुरू तो ही टैक्स मुक्त सिक्ख्या की वकालत करती आ रही है, इसलिए असं इस फैसले सख्त खिलाफ़ हाँ। साड़ी पार्टी का विद्यार्थी विंग युवा संघर्ष समिति इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इस किसी भी कीमत पर पंजाब यूनीवर्सिटी में लागू नहीं होता जाएगा। उन्होंने कहा कि एक पासे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब यूनीवर्सिटी 50 करोड़ रुपए की लागत के नाल 2 होस्टल बनवा रहे हैं तो दूजे पासे मोदी सरकार होस्टल फीसा से GST लगा के विद्यार्थियों तो जबरदस्ती पैसे वसूल रही है। उन्होंने पंजाब यूनीवर्सिटी के विद्यार्थियों इस मुहिम में CYSS का साथ देने की अपील की। उन्होंने कहा कि असी हमेशा मुद्दों की राजनीति करते हैं, जिस तरह दिल्ली ते पंजाब विच आम आदमी पार्टी दे सरकार ने बेहतर सिक्ख्या मॉडल पेश किया ते सिक्ख्या प्रणाली च सुधार किया, उस तरह असीं पंजाब यूनीवर्सिटी की सिक्ख्या प्रणाली होर बेहतर बनाउण दीआं कोशिशां करांगे। आंगणवाड़ी मुलाजम यूनियन पंजाब सीटू वल्लों जारी बयान विच कहा गया कि स्थानक सरकारां विच भागीदारी निभा रही आंगणवाड़ी वर्करां हैल्परां खिलाफ़ कार्रवाई करन दा सरकार दा रवैया अति निंदनयोग है। आंगणवाड़ी मुलाजम यूनियन पंजाब सीटू की प्रधान हरजीत कौर पंजोला ने अते जनरल सकत्तर सुभाष राणी ने कहा कि पंजाब सरकार वालों स्थानक सरकारों में पंच सरपंच की भूमिका निभा रही आंगणवाड़ी वर्कर हैल्पर ते कार्रवाई करन दा जिहड़ा जिला प्रोग्राम अफसर जो पत्र जारी किया है वह बहुत ही निंदनयोग है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार का यह फैसला बदलाव वाला नहीं सगों बदलाखोरी का वध लगता। उन्होंने कहा कि आंगणवाड़ी वर्कर सोशल वर्कर है तो वह माण भत्ते उत्ते सेवावां निभाउंदी है। तो मानयोग पंजाब अते हरियाणा हाईकोर्ट के केस नंबर 8264/70/82/47/49 जो 2016 उस मुताबक आंगणवाड़ी वर्कर नूं पंचायती चोणां विच भाग लैण दा हक है तो दोवें अहुदिआं उत्ते काम करन दा भी अधिकार है। आंगणवाड़ी वर्कर सरकारी मुलाजम नहीं हन ते ना ही सरकार वल्लों वर्कर मानदे होए घट्टो घट उजरत दे घेरे विच लिआंदा गया। 2008 तो लैके हुण तक अकाली अते कांग्रेस सरकारां रहीआं ने, किसे वल्लों भी आंगणवाड़ी वर्करां उत्ते इस तरह की बदलाखोरी वाली कार्रवाई नहीं की गई। यूनियन वल्लों आंगणवाड़ी वर्करां कार्रवाई करन दा पत्र जारी किया गया, उसकी सख्त शब्दों में निंदा करते हुए यूनियन वालों मांग की गई है कि पहला आंगणवाड़ी वर्करां नूं मुलाजम बनाया जाए और फिर मुलाजमां वाले निजम लागू किए जाण। संसद के मानसून सैशन के 10वें दिन भी लोग सभा स्पीकर ओम बिरला अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे। वो लोग सभा विच विरोधी लोग सभा मैंबरां दे लगातार हंगामे तो नाराज दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने सदन च आउण तो इनकार कर दिता है। उन्हां दी जगह आंध्र प्रदेश के राजमपेट तो लोग सभा मैंबर PV मिदन रेड्डी ने लोग सभा की कार्रवाई संभाली। जानकारी मुताबक ओम स्पीकर लोग सभा ओम बिरला कहा जा रहा है कि तद तक वो संसद में नहीं आएंगे जब तक विरोधी धिर हंगामा करना बंद नहीं कर दिंदियां। लोग सभा के मंगलवार को दिल्ली ऑडियंस पेश होया और अज इस मुद्दे पर चर्चा होनी सी, पर इस तो पहला ही विरोधियों ने हंगामा शुरू कर दिता, जिस तो बाद सदन की कार्रवाई पहला 2 बजे तक फिर 3 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 60 ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਹਿਤ 12 ਪਰਮਾਣੂ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ 6 ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਖਣਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕਰਜਾ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਣੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 2 ਮਣੀਪੁਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੀ, ਪਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ। ਧੰਨਵਾਦ।